भाई लोग पिछली वाली वीडियो का रिस्पॉन्स देख के और थोड़े बहुत आंसू आंसू बहा के मैं अभी इस वाली वीडियो को बनाने के लिए बैठा हूँ। नहीं मतलब यार ऐसा थोड़ी है कि भाई बिल्कुल थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो तो आप बिल्कुल देखो ही ना, है ना 20 मिनट की है। देखो यार मैं छोटी वीडियो बना देता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ गेम को जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई तुम देखते देखते तो हो नहीं वीडियो, ठीक है गुली की तो क्या फ़ायदा फिर। खैर अभी भाई तुम्हारे भाई ने माइनिंग के लिए नई रिग खरीद ली और माइनिंग वाइनिंग चल रही है अपनी बढ़िया करके, उसके साथ ही तुम्हारे भाई कुछ अमेजोन से थोड़ा बहुत सामान भी मंगाना था, तो इसीलिए अभी अपनी क्रिप्टो बेच के गेमिंग कंसोल की टेबल और थोड़ी बहुत चेयर मंगवाते हैं। या कि भाई एकदम बेहतरीन वाली महंगी वाली गेमिंग कंसोल की टेबल तुमने देखी रखी है। और भाई अभी हमने स्टीम पे थोड़े बहुत गेम भी खरीदने चालू कर दिए, क्योंकि अपने यहाँ पे गेम नहीं है कोई भी स्टीम पे। भाई बंदे आते हैं वो क्रैक वाले गेम स्टीम पे चलते नहीं, मतलब बंदों को खिला नहीं सकते, हम खाली बेच सकते हैं। और भाई तुम्हारा भाई ये जो टेबल पलटी पड़ी थी इसका सारा तामझाम उठा कर वो अलग चाचा को बेचने जा रहा है। ठीक है भाई बेच डालो, सब बेच डालो भाई, कोई जरूरत नहीं है यहाँ, मतलब इतनी सस्ती टेबल है मतलब जगह घेर रखी है। कंसोल वाले रूम में नीचे जो लाल वाली टेबल थी ना हमारी वो ले आए, तो अभी क्या है भाई इस रूम में दीवार किनारे किनारे तो कंसोल रख कहेंगे कि कंसोल को चाहिए टीवी, और टीवी खाली दीवार पर चिपकता है, तो जो बीच में जगह बचेगी उसमें हम रखेंगे एक बेहतरीन सी लाल वाली अपनी टेबल, जो भाई नीचे लाल वाली टेबल रखी थी महंगी वाली वो, तो इससे क्या अपना पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा और ज़्यादा इनकम होगी। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़ी बहुत चेयर भी ला के सेट करनी चालू कर दी, इससे क्या भाई हमें वो मिल जाएगा कि भाई कितनी जगह छोड़ के रखनी है टेबल वेबल, तो इसलिए कुछ चेयर रखी हुई है अभी मैंने, सारी चेयर नहीं मंगवाई। देखो जैसे इतनी जगह बची थी भाई, जगह बेकार हो जाती तो अब इसमें टेबल आएगी। और अभी यार यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा भिड़ी भिड़ी सी जगह हो रही है, तो इसे टेबल थोड़ी मैं भाई रख देता हूँ कंसोल वाले कमरे, क्योंकि भाई बिल्कुल सामान वामान रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने तीन और आर्केड मशीन मंगवा ली, ये भाई तीन मशीन पहले से थी, तीन और मंगवा ली। और भाई देखो पूरा पीछे का इलाका भर गया इन 6 मशीनों से, एकदम बेहतरीन सा लग रहा है पीछे, तो क्या एकदम महंगे वाले हैं सारे आर्केड, $120 आते हैं जब एक एक आर्केड पे एक बंदा आता है, भाई थोड़ी बहुत देर खेलता है चला जाता है, तो इनसे काफ़ी सही इनकम है। और यहाँ पे और ग्राफिक कार्ड खरीद लिए तुम्हारे भाई ने, ग्राफिक कार्ड और एक माइन, तो सही है थोड़ा सा मतलब सही से माइनिंग वाइनिंग करेंगे। और इसके साथ तुम्हारे भाई पे 4 माइन होगी, तो 3 माइन तो पीछे रखे हैं वहाँ, और एक माइन ये भाई तुम्हारे भाई ने अपने कंप्यूटर के पीछे रख ली। और भाई यहाँ पे अभी अपना जो रूम है कंसोल वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे भाई ये चेयर लगा रखी है गैप वैप देखने के लिए कितनी जगह छोड़नी है, और बाकी ये टेबलें रखी हुई हैं। अभी फटाफट इन टेबलों के लिए चेयर मंगवाते हैं। ठीक है भाई अपने बिल भी पे कर देते हैं, जो भी बिल आ रखे हैं बाउंसर वाउंसर के सारे बिल पे कर देते हैं, और चेयर की भी इतनी अपनी डिलीवरी आ गई तो इन्हें फटाफट एडजस्ट करते हैं ऊपर अपने कंसोल वाले रूम में। और कंसोल के तुम्हारे भाई ने लाल चेयर मंगवाई हुई है सारी की सारी, जो नीली वाली चेयर है दूसरी वाली महंगी चेयर वो किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या है भाई अभी हम जो हमारे सामने दुकान है ना उसे भी खरीद सकते हैं $2000 में, और उस पर हम एक बंदा को बोल देंगे काम करने के लिए, वो काम वाम करेगा और हम उसे तनख्वाह देंगे और वो पैसे सारे के सारे हमें देगा जो भी दुकान से कमाई होगी। ये तुम्हारे भाई ने खरीद भी ली, ये कैसा स्टोर है, यहाँ से हम अपना सारे के सारे कैश कलेक्ट कर सकते हैं। ये मॉनिटर स्क्रीन है, इससे क्या है हम अपनी पूरी दुकान को मैनेज कर सकते हैं। और भाई दुकान तो अंदर है ही अपनी, वो भी मैं तुम्हें थोड़ी देर में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं हम क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं इसमें। तो हम भाई फ्लोर और दीवार इन सब का पेंट चेंज कर सकते हैं, कैबिन बनवा सकते हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर रखेंगे, उसके अंदर बंदे आके खेलेंगे, लाइटें लगवा सकते हैं, और ये एक बंदा है जो कि हमारे इसका ध्यान रखता है दुकान का। तो भाई अंदर से कुछ ऐसे दिखती है अभी अपनी दुकान, भाई ये तो किडनैपरों से भी ज़्यादा है, तो आतंकवादियों का अड्डा लग रहा है यार। अपनी जो पुरानी दुकान थी वो तो किडनैपरों का अड्डा लग रहा था, ये आतंकवादियों का लग रहा है भाई। देखिए मतलब कैसे कतई काला काला सा, पता नहीं क्या भाई गंदी सी कर रखी है दुकान, बड़ी काम वाम करवाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है भाई फटाफट कंसोल टीवी खरीद लेते हैं, तो क्या है अभी चेयर हो गई टेबल हो गई, तो टीवी और लगा देते हैं, फिर भाई प्ले स्टेशन वगैरह लाएंगे मस्त और रखेंगे, बंदे गेम खेलेंगे मजे आएंगे खूब। और इतने डिलीवरी आए इतने भाई जो अपनी लाल वाली टेबल है उसके ऊपर सामान भी सेट कर दिया तुम्हारे भाई ने, और लाल वाली टेबल जो है अपनी गेमिंग टेबल वो चालू हो गई। तो चलो भाई फटाफट ये जो टीवी आए हैं और कुछ चेयर भी आई हैं, क्योंकि 2-3 चेयर कम पड़ गई थी, तो टीवी के साथ साथ चेयर भी मंगवा ली, तो इन सारे सामान को ऊपर सेट करते हैं। और भाई अभी अपना जो कमरा है कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, चारों तरफ टीवी टीवी और चेयर चेयर, ये मतलब ऐसा बस ये टेबल के ऊपर कंसोलर कंट्रोलर रखे जाएंगे अब। तो PS5 मंगवाए तुम्हारे भाई ने, ये गेम स्टेशन 5 है, PS5 का ही वो है पैरोडी मान लो, सबसे महंगा वाला कंसोल है, दो है यहाँ पे सबसे महंगे कंसोल, एक तो PS5 एक है Xbox सीरीज XS। तो तुम्हारे भाई ने क्या है जैसे 13 टेबल बैठे टोटल, तो उसमें से 7 टेबलों के ऊपर तो तुम्हारा भाई PS5 रखने वाला है, 6 टेबलों के ऊपर Xbox सीरीज XS। और भाई शुरुआत करेंगे क्योंकि एक टेबल ज़्यादा पड़ रही है PS5 के लिए, तो जो बीच वाली टेबल होगी उसके ऊपर रखेंगे PS5, फिर उसकी साइड वाले पे एक्सबॉक्स, फिर उसकी साइड में PS5, फिर उसकी साइड में एक्सबॉक्स, ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली रखने वाले हैं हम। और अब मंगवाते हैं भाई एक्सबॉक्स सीरीज एक्सेस,
जिसे भाई जो खेलना हो खेल लो। और भाई यहाँ दो महंगे वाले कंट्रोलर के ऑप्शन है हमारे पास सबके लिए, एक PS5 का एक एक्सबॉक्स का। तो मैं क्या करूँगा भाई, दोनों ही रख दूंगा, दो कंट्रोलर लगते हैं एक टेबल पे, तो मैं क्या दोनों ही रख दूंगा, एक PS5 का एक एक्सबॉक्स का एक टेबल पे। तो भाई यहाँ पे हमारी डिलीवरी आ गई एक्सबॉक्स की, फटाफट ही नहीं मिली, जाके एडजस्ट करते हैं। ठीक है भाई, रखना चालू करते हैं एक्सबॉक्स, और ये आ गया भाई पहले वाले पे। और अब मंगवाते हैं भाई सालों के लिए कंट्रोलर एक्सबॉक्स वाले, उसके बाद में PS5 वाले भी मंगवा लेंगे। और भाई अभी हमारी भिकाई से बात हुई थी, तो उसने कहा था कि जो बंदा ना जिसका कैफ़े हमारे घर के नीचे है सेकेंड फ्लोर पर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, हम तो बेसिकली सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर सबसे नीचे वाला होता है, यहाँ से हम अपनी दुकान पे जाते हैं। भिखारी को लगता है कि वो ये जो बंदा है कैफ वाला, ये भिखारी को कुछ नुकसान नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो उसने कहा है हमारे से कि हम उसकी दुकान पे एक आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम इंस्टॉल करके आएँ। और भाई वैसे मैं इसकी दुकान पे आया हूँ, अब नहीं लग रहा इतना, जैसे इसने बहुत कुछ एकदम बेहतरीन सी दुकान बना रखी है, अब इसकी नॉर्मल सी लग रही है, मतलब सारा पुराना पुराना सामान है, पुराने आर्केड मशीन और पुरानी सारी चीज़ें ऐसी पुरानी पुरानी सी लग रही है। बस पेंट इसने थोड़ा ठीक ठाक करा रखा है, एक आध कंप्यूटर अच्छा सा रखा हुआ है बस। अपनी दुकान इससे काफ़ी बेहतर होगी वैसे इस टाइम, पहले भाई लग रहा था क्या कि आप अपनी बेकार सी दुकान है इसकी एकदम बेहतरीन सी, अब ऐसा नहीं है। और भाई $400 दे दिए भिखारी ने इसके, भिखारी भाई देखो कैसे यार, भिखारी से पैसे ले लिया हमने। और इतने भाई अपने एक्सबॉक्स वाले कंट्रोलर की डिलीवरी आ गई, फटाफट ले जाके सेट करते हैं ऊपर। और भाई ये सारे कंसोल के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सबॉक्स वाला कंट्रोलर रहने वाला है, राइट हैंड साइड में PS5 वाला, PS5 के कंट्रोलर मंगवा लिए हमने सारे के सारे। और आगे भाई अपनी डिलीवरी फटाफट ही जाकर ऊपर सेट करते हैं और अपने चालू करते हैं भाई सारे के सारे कंसोल। सोचो यार एकदम से इतने सारे कंसोल चालू होंगे, क्या मजा आएगा भाई, बंदे बंदे आएंगे यार खेलने, भाई बहुत पैसा आएगा, वो भी सारे इतने बेहतरीन महंगे वाले कंसोल। और भाई इस टाइम कुछ ऐसा दिख रहा है अंदर का सीन भाई, क्या मतलब यार मजा है भाई, फुल मजे, क्या बेहतरीन सीन लग रहा है अंदर का, मतलब कंसोल ही कंसोल भाई चारों तरफ, मजा आ रहा है यार। और भाई सारे एकदम हाई एंड कंसोल, TV सब कुछ एकदम हाई एंड। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़े से और पैसे कमाने के लिए फिर से ग्राफिक कार्ड खरीदना चालू कर दिया माइनिंग वाइनिंग के लिए। और ये वाली माइनिंग रिग रखने के लिए भाई कहीं जगह नहीं बची थी, टेबल के पीछे जगह खत्म हो गई थी, तो इसलिए अब तुम्हारे भाई ने जो CD है ना इसके नीचे से सेट करा है। यहाँ पे देखो भाई, मतलब कहीं जगह नहीं बची भाई, कहीं बीच में तो रख नहीं सकता, बीच रस्ते में तो भाई बंदे इस पे ऊपर चढ़ चढ़ के जाएंगे भाई, गलत सीन होगा थोड़ा सा, तो इसलिए इसके नीचे सेट कर दिया इसे CD के नीचे भाई, यहीं खाली सी जगह खूब चसा। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने क्या है एकदम बेहतरीन महंगी वाली VR टेबल ही मंगवा लिया, इससे क्या भाई बंदे मस्त VR वगैरह खेलेंगे मजे करेंगे। ठीक है VR में नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है इसके थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे, और एकदम महंगा वाला VR होने वाला की बात हो हमारा, तो हो सकता है थोड़ा सा और पैसा मिल जाए। तो अभी तो टेबल ही टेबल आई है, वो सामान भी मंगवाते हैं इसका जल्दी से। और कंसोल से भाई पैसा बहुत आ रहा है यार, मानना पड़ेगा, इतने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं कंसोल खेलने हो भाई, खूब पैसा भी आ रहा है क्योंकि भाई महंगा वाला कंसोल है एकदम। तो ठीक है फटाफट सेट करते हैं VR टेबल को, अरे देखने तो एकदम बेहतरीन सी लग रही है VR टेबल। और भाई VR टेबल जो है ना, सारी की सारी जो कंसोल वाला रूम है उसके साइड में जो है CD के जस्ट सामने वाला रूम, वहाँ पे रखी गई है इस वाले रूम में, अभी थोड़ी सी रखी हुई है, बाकी की जल्दी से जल्दी सेट करते हैं। और भाई ऐसा दिख रहा है अभी चाहो तो भाई बस थोड़ा सा रास्ता रिस्ता छोड़ा हुआ, बाकी दीवार से सटा सटा के सारे भी VR टेबल सेट कर दी तुम्हारे भाई ने, क्योंकि जगह नहीं छोड़नी भाई, पूरा यूज करना जगह का, बीच वाली जगह छोड़ी हुई है थोड़ी सी क्योंकि भाई बंदों को निकलने के लिए चाहिए, तो गिरा के जाएंगे चीजों को, कोई फायदा नहीं है। अभी तुम्हारे भाई ने VR हेडसेट मंगा लिया एकदम बेहतरीन वाला, मेटा का ओक्यूलस, यार क्या बेहतरीन हेडसेट है भाई, एकदम मजा आने वाला है इससे बंदों को, और हमें पैसे मिलेंगे दवा के। और ये रखा भाई VR इस टेबल के ऊपर, ऐसे रख रहा हूँ मैं, सारी टेबलों के लिए VR मंगवा लिया हमने। और यहाँ पे भाई मंगवा रहे हैं हम एकदम बेहतरीन वाले गोल्डन VR कंट्रोलर्स, ये क्या एकदम सबसे बेहतरीन वाले कंट्रोलर्स हैं, और दो दो कंट्रोलर लगते हैं एक टेबल पे, तो इससे हमारे पास थोड़ा बजट भी कम पड़ गया, अपने बिटकॉइन बेचने पड़ गए कंट्रोलर मंगवाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम बेहतरीन वाले कंट्रोलर के साथ बेहतरीन सेटअप बनाएंगे, तो बंदे भी ज़्यादा आएंगे और पैसे भी ज़्यादा देंगे। और बस यार आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, डिलीवरी डिलीवरी आती रहेगी भाई VR कंट्रोलर की, हम तो चलते हैं मस्त घर पे, अगली वाली वीडियो में एकदम फुल बेहतरीन तरीके से सेटअप करेंगे सारी चीज़ों को, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।